देखो, सीखो, समझो, क्लास 49 है, 49 48 हो गया, पूरा समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो कोई डाउट हो तो पूछना। जैसे है अवेयर, क्या है अवेयर का मतलब अवगत, अवगत क्या बोलेंगे, अवगत। जैसे तुमको पता है ना, उसी को बोल सकते अवेयर, क्या बोलेंगे, जिस चीज से तुम अवगत रहेगा, ऑफ लगा करके, क्या लगा करके, ऑफ लगा करके। जैसे बोलेंगे कि मैं पटना से अवगत हूं, तो आई एम अवेयर ऑफ पटना, क्या बोलेंगे। अच्छा, मैं का इंग्लिश आई, मैं हूं आई एम, अब मैं अवेयर हूं आई एम अवेयर, क्या बोलेंगे, मैं अवेयर हूं, क्या बोलेंगे, आई एम अवेयर। और जिससे भी रहेंगे क्या लगा करके, तो मैं पटना से अवगत हूं, आई एम अवेयर ऑफ पटना, मैं दरभंगा से अवगत हूं, हाँ मैं इस कोचिंग से अवगत हूं, आई एम अवेयर ऑफ दिस कोचिंग, हाँ मैं उस कोचिंग से अवगत हूं, आई एम अवेयर ऑफ दैट कोचिंग। मतलब तुम जानते हो गया है तो वो सब क्या हो जाता है, जानकारी हो जाता है तुमको ना, अवेयर हो जाता है। मैं दरभंगा से अवगत हूँ, आई एम अवेयर ऑफ दरभंगा। अच्छा, अगर मान लो तुमको नहीं पता है, जानकारी नहीं है, तो तुम बोलेगा हम पता नहीं है, अनअवेयर, क्या बोलेंगे, अवेयर में ही शुरू में क्या लगा देंगे, अन लगा देंगे। तो मतलब समझो नहीं मिला सेंस देता, निगेटिव सेंस दे देता है। निगेटिव सेंस का मतलब कि नहीं पता है हमको, पॉजिटिव सेंस का मतलब पता है, समझा है ना। तो बोलेंगे कि मैं अवगत हूं, मतलब हम बेखबर है, इसको दूसरे भाषा में क्या सकता है, बेखबर, बेखबर मतलब हमको जानकारी नहीं है। तो बोलेंगे मैं बेखबर हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम अनअवेयर, क्या बोलेंगे, बोलेंगे मैं बेखबर हूं, क्या बोलेंगे, आई एम अनअवेयर। आज जिससे भी रहेंगे क्या लगा करके, तो मैं पटना से बेखबर हूं, आई एम अनअवेयर ऑफ पटना, मैं दरभंगा से बेखबर हूं, हाँ मैं तुमसे बेखबर हूं, आई एम अनअवेयर ऑफ यू। जिससे भी रहेंगे यू लगा करके ना, सामने वाले से रहेंगे तो, हाँ मैं तुम्हारे भाई से बेखबर हूं, आई एम अनअवेयर ऑफ योर ब्रदर, तुम्हारा भाई रहेगा तो क्या होगा, हाँ तुम्हारे पापा, तुम्हारे चाचा, चल योर लगा के बोलते हैं। टेक अप का मतलब उड़ान भरना होता है, क्या होता है, जैसे कोई हवाई जहाज उड़ता है ना, तो जमीन को छोड़ता है ना, टेक ऑफ करता है, क्या करता है, टेक ऑफ। चांस का मतलब क्या होता है, मौका। जैसे बोलेंगे कि हमको एक मौका दीजिए, हाँ तो मांगने के लिए, मतलब मांगने के लिए गिव का यूज करते हैं ना, गिव का मतलब मुझे दीजिए, गिव का मतलब दीजिए। अब बोलेंगे मुझे दीजिए, अब मुझे एक मौका दीजिए, गिव मी अ चांस, यही ना होगा, बोलेंगे मुझे एक मौका दीजिए, तो क्या बोलेंगे, गिव मी अ चांस। आगे अगर कोई काम को जोड़ेंगे तो टू से ना, काम को जोड़ेंगे तो क्या चीज से, जैसे बोलेंगे खेलने का, तो खेलना एगो काम है, हाँ क्या लिखते हैं यहाँ पर, टू लेकर के ना, टू प्लस, जैसे हाँ। अब जो भी चेंज होगा यहाँ पे चेंज होगा, बोलेंगे मुझे खेलने का एक मौका दीजिए, तो क्या बोलेंगे, गिव मी अ चांस टू प्ले। मुझे लिखने का एक मौका दीजिए, हाँ मुझे सोचने का एक मौका दीजिए, मुझे बोलने का एक मौका दीजिए, मुझे अंग्रेजी बोलने का एक मौका दीजिए, गिव मी अ चांस टू स्पीक इंग्लिश। मुझे हिंदी बोलने का एक मौका दीजिए, गिव मी अ चांस टू स्पीक इंग्लिश, हाँ हिंदी इंग्लिश जो भी हो। जमीन को क्या बोलते हैं, लैंड। अच्छा कल पढ़ाया था ना, पहला दूसरा तीसरा चौथा, पहला को फर्स्ट, दूसरा को सेकंड, तीसरा को थर्ड। तो बोलेंगे राकेश शर्मा पहला व्यक्ति है, राकेश शर्मा इज द फर्स्ट पर्सन। बोलेंगे राकेश शर्मा पहला भारतीय है, राकेश शर्मा इज द फर्स्ट इंडियन कर देंगे, क्या कर देंगे, फर्स्ट इंडियन। जमीन पर, चंद्रमा पर उतरने वाला, टू लैंड, उतरना का क्या होता है, हाँ टू लैंड। आप बोलेंगे चंद्रमा पर ना, ऑन द मून, चंद्रमा पर, क्या बोलेंगे, ऑन द मून। राकेश शर्मा चंद्रमा पर उतरने वाले पहले भारतीय थे, क्या बनेगा, राकेश शर्मा इज द फर्स्ट पर्सन टू लैंड ऑन द मून। अच्छा जब कोई चीज के लिए उत्तेजित हो जाता ना, देखिए जरा कैसा है, मन करता है देखने का, उसको उत्तेजित कहा जाता है, क्या बोलते हैं, एक्साइटेड, क्या बोलेंगे, मैं उत्तेजित हूं, आई एम एक्साइटेड, आप उत्तेजित है, हम लोग उत्तेजित है, हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए उत्तेजित है, वी आर एक्साइटेड टू वॉच, सॉरी वॉच कह रहे हैं, टू वॉच, वॉच हो गया, टू स्पीक इंग्लिश, क्या बोलेंगे, या लिखते एक सेंटेंस बनाते हैं, बोलेंगे हम लोग उत्तेजित है, तो क्या बनाएंगे, वी आर एक्साइटेड, हम लोग उत्तेजित है, क्या बनाएंगे, हाँ अब जिसके लिए रहेंगे क्या लगा करके, बोलेंगे अंग्रेजी बोलने के लिए, टू स्पीक इंग्लिश। अगर बोलेंगे अंग्रेजी सीखने के लिए, तो क्या बन जाएगा, बस स्पीक के जगह क्या हो जाएगा, लर्न,
कैसे बदल रहा है, समझ में आ रहा है ना, काम बदल रहा है तो इंग्लिश में भर बदल रहा है। बोलेंगे हम लोग अंग्रेजी सीखने के लिए उत्तेजित है तो क्या बनाएंगे, वी आर एक्साइटेड टू लर्न इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलने के लिए उत्तेजित है। हाँ, कोई नेका फिल्म आया तो बोलेंगे हम लोग फिल्म देखने के लिए उत्तेजित है, तो वी आर एक्साइटेड टू, जब ये मूवी देखते तो वॉच करते हैं, क्या करते हैं तो वॉच मूवी, नहीं हो जाएगा। हम लोग क्रिकेट खेलने के लिए उत्तेजित है, वी आर एक्साइटेड टू प्ले क्रिकेट। हम लोग बैडमिंटन खेलने के लिए उत्तेजित है, वी आर एक्साइटेड टू प्ले बैडमिंटन, हो जाएगा। चलो, उत्तेजित को क्या बोलते हैं, एक्साइटेड। मैं उत्तेजित हूं क्या बनेगा, अब कोई भी सेंटेंस बन जाएगा ना इस टाइप का, ठीक है। आरामदायक का दो को इंग्लिश होता है, एक होता है कोजी, एक होता है कंफर्टेबल। कौन कौन होता है, एक होता है कोजी और दूसरा क्या होता है, कंफर्टेबल। जैसे मान लो कि क्या बोलते हैं, शरीर के ऊपर कुछ है, शरीर के ऊपर के लिए, शरीर पर के लिए, जैसे मान लो कि अभी हम ये जैकेट पहने हुए हैं, अच्छा लग रहा है, कंफर्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं, फीलिंग अच्छा आता है, तो उसको बोलते हैं कोजी। क्या बोलेंगे, शरीर के ऊपर के लिए। लेकिन मान लो अभी हम पढ़ा रहे हैं, अब जैसे हाथ में मार्कर, मार्कर से अच्छा लगता है पढ़ाने में, एक बार मार्कर था ना, बार बार उसी से लिखते थे, पुराना ही था तो आरामदायक लगता था ना, तो शरीर के बाहर के लिए कंफर्टेबल का यूज करते हैं। अब जैसे रूम में आ गए, ठीक है, बहुत गर्म देता रूम में, कंफर्टेबल है ना, उस कुर्सी पे बैठते हैं, कुर्सी बहुत अच्छा है, बहुत कंफर्टेबल है, तो वहां पे कंफर्टेबल का यूज करते हैं। मतलब शरीर के साथ के लिए कोजी का यूज करेंगे और शरीर से बाहर के लिए किसका यूज करेंगे, कंफर्टेबल। ब्रैकेट में लिख देते हैं और बोलेंगे शरीर के साथ, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, विथ बॉडी, आप लिख सकते हैं ना। हाँ, आप बोलेंगे शरीर को छोड़ करके, बिना शरीर का, शरीर के बाहर, तो विथ करेंगे, विदाउट करेंगे, बस विदाउट बॉडी। अब ये सब तो इंग्लिश हो रहा ना थोड़ा थोड़ा, सीखो तब छापना। ठीक ठीक ठाक क्या बोलते हैं, ठीक ठाक को बोलते हैं सो सो। क्या बोलेंगे, सो सो। हिंदी में क्या बोलेंगे, ठीक ठाक। क्या बोलेंगे, बोलेंगे मैं ठीक ठाक हूं, आई एम सो सो। कोई तुमसे पूछा हाउ आर यू, क्या पूछा, हाउ आर यू, हाउ आर यू को हिंदी क्या हो गया, आप कैसे हो, तो तुम आंसर देगा ना, मैं ठीक हूं, आई एम फाइन, आई एम ओके, आई एम वेल, आई एम गुड, यही सब बोलते हैं। और तुम बोला चाहता कि हम ठीक ठाक है, आई एम सो सो। क्या बोलेंगे, सो सो का मतलब होता है ठीक ठाक। क्या बोलेंगे, मैं ठीक ठाक हूं, तो क्या बोलेंगे, आई एम सो सो। अच्छा, एक मान लो कि जैसे मान लो किसी का 50 या 60 एज क्रॉस कर गया है, तो वो लोग तो बस जीने के लिए ना जिंदा रहते हैं, कुछ दिन चलेंगे हो गया, तो उसको बोलते हैं हेल एंड हार्टी। क्या बोलते हैं, एजेड लोगों के लिए, दादा सब के लिए यूज करेंगे। हेल एंड मतलब जीने लायक स्वास्थ्य, मतलब जिंदा है, जी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, तबीयत थोड़ा खराब नहीं, उसको क्या बोलेंगे, हेल एंड हार्टी। बोल जरा क्या बोलेंगे, क्या बोलेंगे, हिंदी में क्या हो जाएगा, स्वस्थ एवं कुशल, मतलब जी रहे, कोई दिक्कत नहीं है, कभी टपक सकते हैं। अच्छा, जैसे बोलेंगे माय ग्रैंडफादर इज हेल एंड हार्टी, बोल सकते हैं ना, मेरे दादाजी जीने लायक स्वस्थ एवं कुशल है। लेकिन एजेड लोगों के लिए करते हैं हम लोग, दादी सबके लिए, नानी सबके लिए। अच्छा, जैसे बोलेंगे, जैसे तुमसे कोई पूछा हाउ आर यू, तुम बोला कि आई एम फाइन, फिर तुम पूछते हैं उससे रिप्लाई में एंड यू या एंड व्हाट अबाउट यू, तो बोलता है जैसा तुम वैसे ही, आप ही की तरह, नहीं बोलते हैं सेम एज यू, मतलब जैसे तुम्हारा कट रहा है वैसे मेरा भी कट रहा है, देख ही रहा है रोज, तो उसको क्या बोलेंगे, सेम एज यू। इंग्लिश में क्या बोलेंगे और हिंदी में क्या बोल देंगे, आप ही की तरह। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, क्या बोलेंगे, सेम एज यू, और हिंदी में क्या बोल देंगे। अच्छा, मान लो कि नया साल आया था तो बोले कि हैप्पी न्यू ईयर, हिंदी हो गया नया साल मुबारक। होली आएगा तो क्या बोलेंगे, हैप्पी होली, हो जाएगा कि होली मुबारक। सरस्वती पूजा आएगा तो क्या बोलेंगे, हैप्पी सरस्वती पूजा, हिंदी हो जाएगा कि सरस्वती पूजा मुबारक। अच्छा, मान लो कि वो भी तो तुमको रिप्लाई देगा, हम तुमको बोले हैप्पी होली, तो तुम भी तो हमको बोलेगा, एक तो बोलो कि सेम टू यू, यही ना बोलते, या तो बोलो तुम भी बोलते हैप्पी होली, या तुम क्या बोले रिप्लाई में बोलते हैं सेम टू यू। क्या बोलते हैं, मतलब आपको भी, आपको भी, मतलब यहाँ सेंस पूरा निकल जाता है, मतलब आपको भी होली मुबारक। तो सेम टू यू हैप्पी होली ना बोल करके लोग बोलता है सेम टू यू, इसका मतलब जो बात चल रहा था उसी के लिए बात हो रहा है, आपको भी होली मुबारक। जैसे हम बोले हैप्पी होली तो तुम लोग क्या बोलेगा, सेम टू यू, इसका मतलब क्या, आपको भी होली मुबारक। जैसे बोलेंगे हैप्पी बर्थडे, यहाँ सेम टू यू, नहीं नहीं नहीं, समझो कोई त्योहार फेस्टिवल मना रहे हैं तो वहां बोलेंगे सेम टू यू। अब हम तुमको बोले तुम्हारा बर्थडे है तो हम बोलेंगे कि हैप्पी बर्थडे, तो बोलेगा सेम टू यू, इसका मतलब आपको भी जन्मदिन मुबारक, तो मेरा आज है। तो देखो यहाँ पे बोल सकते हैं, हाँ उसी लिए पॉइंट लिखे है, यहाँ पे नहीं बोल सकते हैं। जैसे बोलेंगे हाँ हैप्पी न्यू ईयर तो क्या बोलेगा, सेम टू यू। हैप्पी होली तो क्या बोलेंगे, हाँ जैसे बोलेंगे हैप्पी सरस्वती पूजा तो क्या बोलेंगे, सेम टू चलेगा। लेकिन बोलेंगे हैप्पी बर्थडे मतलब जन्मदिन मुबारक, तो रिप्लाई में क्या देंगे, हैप्पी बर्थडे,
नहीं नहीं क्या बोलेंगे, थैंक यू। अब तुमको कोई विश किया है तो तुम धन्यवाद ना बोल सकता है, थैंक यू सो मच, क्या बोलेगा, थैंक यू बोलो, थैंक यू सो मच बोलो, समझ में आ गया ना। सेम टू यू, सेम टू यू का मतलब आपको भी, कोई फेस्टिवल है तभी ना उसको भी बोलेंगे आपको भी मुबारक, वही हैप्पी होली। अच्छा मान लो कि किसी का बर्थडे कल था, ठीक है, तुम विश करना उसको भूल गया, मतलब विश नहीं कर पाया, बिजी था कहीं भी, बिजी का मतलब व्यस्त हूं, बोलेंगे मैं बिजी हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम बिजी। आप बिजी हो तो क्या बोलेंगे, यू आर बिजी। वह बिजी है तो क्या बोलेंगे, ही इज बिजी। अब तुम बिजी था तो यू आर बिजी, ठीक है, बिजी था, अच्छा तुम बिजी था तो क्या बोलेंगे इसको, यू वाज, वाज होगा कि वेयर होगा, यू के साथ वेयर लगता है, यू के साथ यू वेयर बिजी, क्या बोलेंगे, ठीक है। अब बिजी था तो तुम देर से उसको विश किया, मतलब आज याद, अरे अभी याद आया, या रात में 9 बजे याद, अरे लेट हो गया, तो बोलेंगे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। हैप्पी बर्थडे मतलब जन्मदिन मुबारक, अब बिलेटेड हैप्पी का, हैप्पी बर्थडे का मतलब देर से ही, देर से ही सही जन्मदिन मुबारक नहीं बोलते हैं, लेटे हो गया लेकिन जन्मदिन मुबारक, तो बोलेंगे बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। क्या बोलेंगे, कल किसका बर्थडे था, आज विश करना है, फेसबुक देखा है अभी, तुम अभी फेसबुक खोला है तो देखा है, तो लिख देना बिलेटेड हैप्पी बर्थडे। क्या लिखेंगे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मतलब देर से जन्मदिन मुबारक लेकिन मुबारक, समझ में आ गया ना, अभी देखे तो अभी याद है, तो देर से भी किसी को विश कर सकते हैं, तो देर से विश करने के लिए किसका यूज करते हैं, बिलेटेड का करते हैं, किसका करते हैं, तो बोलेंगे देर से जन्मदिन मुबारक, तो क्या बोलेंगे, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, क्या बोलेंगे। अच्छा अभी बार आ जाओ, तब तक के लिए हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश बोलेंगे फॉर द टाइम बीइंग, बोलो जरा क्या बोलेंगे, एक बार और बोलो, एक बार और, हिंदी में क्या हो जाएगा, तब तक के लिए। और बेस्ट का इंग्लिश क्या होता है, बिजी ना, हाँ जैसे बोलेंगे बेस्ट तो क्या बोलेंगे, बिजी बोलेंगे, मैं व्यस्त हूं तो क्या बोलेंगे, आई एम बिजी। आप व्यस्त है, मेरे पापा व्यस्त है, मेरे चाचा व्यस्त है, मेरी चाची व्यस्त है, माय आंट या माय आंटी, आंटी दोनों बताए थे शुरू वाला चीज सब, ठीक है, बोलेंगे कि मेरे पापा जी व्यस्त है तो क्या बोलेंगे, माय फादर इज बिजी। मेरे पापा जी पूजा में व्यस्त है, माय फादर इज बिजी इन द वर्शिप। पूजा को क्या बोलते हैं, वर्शिप, वर्शिप का मतलब पूजा। अब पूजा में क्या हो जाएगा, इन द वर्शिप, में आता है तो इन आता है ना, उस समय दिक्कत नहीं ना, अब तो बोलेंगे पूजा में तो क्या बोलेंगे, इन द वर्शिप, क्या बोलेंगे। अच्छा बोलेंगे काम में, इन द वर्क, क्या बोलेंगे, काम में तो क्या बोलेंगे, इन द वर्क, पूजा में तो क्या बोलेंगे। अच्छा बनाओ कि मेरे पिताजी पूजा में व्यस्त है, माई फादर इज बिजी इन द वर्शिप, क्या बोलेंगे, एक बार बोलो, माई फादर इज बिजी इन द वर्शिप, तब तक के लिए, फॉर द टाइम बीइंग, क्या बोलेंगे, फॉर द टाइम बीइंग। उससे बात करो का इंग्लिश क्या होता है, टॉक, बात करो का टॉक, जिससे भी करेंगे क्या लगा करके, टू लगा करके, याद है कि नहीं, तो बोलेंगे उससे बात करो तो क्या बोलेंगे, टॉक टू हिम, बोलेंगे एक साथ बोलो, मेरे पिताजी पूजा में व्यस्त है तब तक के लिए उससे बात कीजिए, माय फादर इज बिजी इन द वर्शिप फॉर द टाइम बीइंग टॉक टू हिम, हो जाएगा ना। इंग्लिश में बोलो एक बार, क्या बोलेंगे, माय फादर इज बिजी इन द वर्शिप फॉर द टाइम बीइंग टॉक टू हिम, चेंज करते हैं, हो जाएगा ना, टॉक टू हिम, बोलेंगे मेरे पिताजी काम में बिजी है तब तक के लिए मुझसे बात कीजिए, माय फादर इज बिजी इन द वर्क फॉर द टाइम बीइंग टॉक टू मी, टॉक टू मी, यही ना हो जाएगा, ये सब तो शुरू में सिखाए थे, हाँ पहला दूसरा क्लास में होगा, ठीक है, छाप लो, जिसका हिंदी चाहिए मांग लेना, गिव मी अ चांस टू एसपी प्लेगा, क्या हो जाएगा, हाँ मुझे खेलने का एक मौका दीजिए, मेरे पिताजी पूजा में व्यस्त है तब तक के लिए उससे बात करो, इसका लिख देते हैं यहीं पे, माय फादर इज बिजी इन द वर्शिप फॉर द टाइम बीइंग टॉक टू हिम। और किसके चाहिए, बिजी का मतलब बेस्ट, वर्शिप का मतलब पूजा, वी आर एक्साइटेड टू स्पीक इंग्लिश, हम लोग अंग्रेजी बोलने के लिए उत्तेजित है, ठीक है, देखो जैसे प्रभावित करना क्या बोलते हैं, किसी को प्रभावित करते हैं ना,
मतलब जैसे तुम अच्छा खेल दिखा दिया तो लोग तुमसे प्रभावित हो गया ना, तो प्रभावित करना करना का हो जाता है इम्प्रेस। क्या बोलते हैं इम्प्रेस, क्या बोलेंगे इम्प्रेस। इम्प्रेस का हिंदी क्या हो जाएगा, प्रभावित करना। जब ये लास्ट में ना आ जाता है तो इसको हम लोग वर्ब ना बोलते हैं, क्या बोलते हैं वर्ब। लास्ट में ना रहता तो क्या होता है वर्ब, तो बोलेंगे प्रभावित करना, तो क्या बोलेंगे इम्प्रेस। जब तुम किसी से प्रभावित हो जाएगा या कोई तुमसे प्रभावित हो जाएगा तो काम हो जाता है तो ईडी लगा देते हैं कि नहीं, तो इम्प्रेस से क्या हो जाएगा इम्प्रेस्ड। क्या बोलेंगे जब कोई तुमसे प्रभावित हो जाएगा तब, तो जैसे बोलेंगे कि मैं प्रभावित हूं आई एम इम्प्रेस्ड। क्या बोले, अच्छा बता ये बोलेंगे, ये बोलेंगे नीचे वाला बोलेंगे ना मैं प्रभावित हूं तो क्या बोलेंगे आई एम इम्प्रेस्ड। तुम प्रभावित हो तो क्या बोलेंगे यू आर इम्प्रेस्ड। मेरे पापा प्रभावित है तो क्या बोलेंगे माई फादर इज इम्प्रेस्ड। लोग प्रभावित है तो क्या बोलेंगे पीपल, पीपल आर क्या बोलेंगे पीपल आर इम्प्रेस्ड। क्या बोलेंगे पीपल आर इम्प्रेस्ड। जिससे भी रहेगा विथ लगा करके, जिससे भी प्रभावित रहेगा क्या लगा करके विथ। जैसे बोलेंगे मैं आपसे प्रभावित हूं आई एम इम्प्रेस्ड विथ यू। जैसे आप मुझसे प्रभावित है, आप मुझसे प्रभावित है क्या बोलेंगे यू आर इम्प्रेस्ड विथ मी। मेरे पापा मुझसे प्रभावित है माय फादर इज इम्प्रेस्ड विथ मी। मेरे पापा तुमसे प्रभावित है माय फादर इज इम्प्रेस्ड विथ यू। हो जाएगा ना, जिससे भी प्रभावित रहेंगे क्या लगा करके। अब प्रभावित का क्या होता है, मैं प्रभावित प्रभावित हूं तो क्या बोलेंगे आई एम इम्प्रेस्ड। आप लोग प्रभावित है, हम लोग आपसे प्रभावित है वी आर इम्प्रेस्ड विथ यू बोलेंगे ना। जैसे बोलेंगे कि मैं सचिन से प्रभावित हूं आई एम इम्प्रेस्ड विथ सचिन। सचिन अच्छा खेलता था, प्रभावित है, लोग को अट्रैक्ट करके रखा था। जब मैं विराट कोहली से प्रभावित हूं तो क्या बोलेंगे आई एम इम्प्रेस्ड विथ विराट कोहली। समझ में आ गया ना, चलो वही बात है, मैं आपसे प्रभावित हूं तो क्या बनेगा आई एम इम्प्रेस्ड विथ यू। अब इम्प्रेस से कोई भी टाइप रहे तो नहीं बन जाएगा, कैसे भी घुमा फिरा के रहेगा, बोलना होगा तो बोल भी लेंगे ना। ठीक है, आ जाओ। डियर का मतलब होता है प्यारा, लाडला। क्या होता है, प्यारा बोलो या लाडला बोलो, और जिसका भी लाडला रहेगा तू लगा करके, क्या लगा करके। जैसे बोलेंगे कि मैं लाडला हूं तो क्या बोलेंगे आई एम डियर। मैं प्यारा हूं तो क्या बोलेंगे आई एम डियर। और जिसका भी रहेगा क्या लगा करके, मैं अपने पापा का लाडला हूं आई एम डियर टू माय फादर। क्या बोलेंगे, मैं अपने मम्मी का लाडला हूं आई एम डियर टू माय मॉम। मैं तुम्हारा लाडला हूं आई एम डियर टू यू। क्या बोलेंगे, मैं अपने सर का लाडला हूं तो क्या बोलेंगे आई एम डियर टू माई सर। क्या बोलेंगे आई एम डियर टू माई सर। हो जाएगा इस टाइप का बोलेंगे। अच्छा हम बोलेंगे मैं अपने मम्मी पापा का लाडला हूं आई एम डियर टू माई पेरेंट्स। पेरेंट्स होता ना माता पिता, मम्मी पापा या मम एंड डैड जैसे बोल दो। नहीं पेरेंट्स याद रहा था, मम्मी एंड डैडी, मम्मी एंड पापा जो बोल दो। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेवार। क्या होता है, मान लो यहाँ पे कोई कुर्सी वगैरह सब तोड़ ताड़ दिया है, अब ये कोई आए सर आएगी तो क्या कहेंगे कौन जिम्मेवार है। क्या बोलेंगे, कौन जिम्मेवार है। रिस्पॉन्सिबल का मतलब होता है जिम्मेवार। क्या बोलते हैं, कौन है तो हु इज, कौन का इंग्लिश हु, कौन का इंग्लिश हु, कौन है तो हु इज, कौन जिम्मेवार है हु इज रिस्पॉन्सिबल। क्या बोलेंगे बोलो जरा, हु इज रिस्पॉन्सिबल। क्या बोलेंगे, बोलेंगे कौन जिम्मेवार है, बोलेंगे तुम जिम्मेवार हो यू आर। मैं हूं तुम हो, मैं जिम्मेवार हूं आई एम रिस्पॉन्सिबल। आप जिम्मेवार है यू आर रिस्पॉन्सिबल। बोलेंगे सोनू जिम्मेवार है, सोनू इज रिस्पॉन्सिबल। मुकेश जिम्मेवार है, अच्छा जिम्मेवार नहीं रहेगा तो नॉट कर देंगे ना। मैं नहीं हूं आई एम नॉट, तुम नहीं हो, हम लोग नहीं है, मैं जिम्मेवार नहीं हूं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। आप जिम्मेवार नहीं है, हम लोग जिम्मेवार नहीं है, वी आर नॉट रिस्पॉन्सिबल। ठीक है, जिस चीज का जिम्मेवार रहता है क्या लगा करके। जैसे बोलेंगे तोड़ तार दिया है, तो तोड़ तार दिया उसको बोलते हैं सबोटेज। क्या बोलते हैं सबोटेज, बोलो जरा क्या बोलेंगे, बोलेंगे मैं इस तोड़ तार का जिम्मेवार नहीं हूं आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सबोटेज। फॉर दिस, फॉर लगा के ना, फॉर दिस सबोटेज। बोलेंगे इस तोड़ फार का तो फॉर दिस सबोटेज, आ गया ना। बोलेंगे उस तोड़ फार का तो फॉर दैट सबोटेज, हो जाएगा ना। बोलेंगे अच्छा जैसे बोलेंगे हार का, तो हारना का था डिफीट। बोलेंगे इस हार का कौन जिम्मेवार है, तो बोलेंगे हुइज। बोले बोलो कौन जिम्मेवार है, तो हुइज रिस्पॉन्सिबल। इस हार का कौन जिम्मेवार है, तो हुइज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफीट। कहां गया यहां। बोलेंगे इस हार का कौन जिम्मेवार है, हुइज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफीट। जैसे बोलेंगे तुम्हारी हार का कौन जिम्मेवार है,
हु इज, तुम्हारी हार का कौन जिम्मेवार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिफीट? क्या बोलेंगे? जिसका भी रहेगा क्या लगा करके, फोर लगा के ना, तो तुम्हारी हार का तो फॉर योर डिफीट, मेरी हार का फॉर माई डिफीट हो जाएगा ना। चलो वही क्वेश्चन सब है। बोलेंगे कि मैं जिम्मेवार नहीं हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल। मैं जिम्मेवार हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम रिस्पॉन्सिबल। बोलेंगे कि मैं तुम्हारी हार का जिम्मेवार नहीं हूं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिफीट। डिफीट का मतलब क्या होता है? हारना बोलो या हराना बोलो। डिफेम का मतलब क्या होता है? बदनाम करना। और डिफेम में ईडी लग जाएगा तो बदनाम नहीं हो जाएगा, करना हट जाएगा। बोलेंगे कौन बदनाम है? हु इज डिफेम्ड? क्या बोलेंगे? हु इज डिफेम्ड? कौन बदनाम है? बोलेंगे मैं बदनाम नहीं हूं, आई एम नॉट डिफेम्ड। क्या बोलेंगे? मैं बदनाम नहीं हूं तो क्या बोलेंगे? आई एम नॉट डिफेम्ड हो जाएगा ना। तोड़फोड़ को क्या बोलते हैं? सबोटेज। क्या बोलेंगे? सबोटेज। तो बोलेंगे इस तोड़फोड़ का कौन जिम्मेवार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस सबोटेज? तो बोलेंगे मैं इस हार का जिम्मेवार नहीं हूं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस डिफीट। क्या बोलेंगे? डिफीट। छाप लो। देखो तीन बार भूकैप देखो। जैसे बोलते हैं ना, जैसे मान लो तोड़फोड़ हो गया तो भाई कोई ना कोई क्षतिपूर्ति करेगा ना भाई उसका, तो उसको बोलते हैं कंपेंसेट। क्या बोलते हैं? कंपेंसेट। बोल जरा क्या बोलेंगे? कंपेंसेट मतलब क्षतिपूर्ति करना, मतलब जो तोड़ताड़ किया है उसका भरपाई कौन करेगा? भरपाई करना मतलब क्या करना? क्षतिपूर्ति करना, क्षतिपूर्ण करना, वही है क्षतिपूर्ति करना। कंपेंसेट बोलते हैं इंग्लिश में। क्या बोलते हैं? कंपेंसेट। क्या बोलेंगे? अच्छा, दोषी का तीन को मीनिंग होता है। दोषी होता है ना, कोई गलती करता है तो सजा मिलेगा ना, तो सजा तीन को मीनिंग होता है। एक होता है कल्प्रिट। क्या बोलते हैं? एक होता है गिल्टी। क्या बोलते हैं? एक होता है विक्टिम। क्या बोलते हैं? तो कल्प्रिट का मतलब ही दोषी, गिल्टी का मतलब ही दोषी, और विक्टिम का मतलब ही दोषी। लेकिन गिल्टी का यूज करते हैं खुद के लिए, खुद के लिए यूज करेगा तो क्या बोलेगा? गिल्टी। जैसे कोई कहीं पर गलती हो गया तो मार बैठा, तुम क्या बोले? हमको गिल्टी फील हो रहा है, नहीं मानना चाहिए हमको। तो आप बोलता खुद के लिए है कि नहीं? तुमको नहीं मानना चाहिए, हाथ नहीं उठाना चाहिए, सीनियर थे कैसे हाथ उठा दिए, तो गिल्टी फील होता है, तो दोषी। दूसरों के लिए करते हैं तो कल्प्रिट। क्या बोलते हैं? कल्प्रिट। अच्छा, कोई ऐसा है जो मान लीजिए पकड़ाया है मर्डर करके, तो भाई उसको सजा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? उसको बोलते हैं विक्टिम, जिसका सजा फिक्स हो। क्या बोलेंगे? विक्टिम। तो बता कौन कौन हो गया? कल्प्रिट, गिल्टी, और क्या बोलेंगे? विक्टिम। विक्टिम क्या बोलेंगे? याद आएगा ना। चलो क्वेश्चन तो बाकी है ना, निकालो अब। क्वेश्चन चेक करते हैं, क्वेश्चन लिखा है? पहले क्वेश्चन लिख लो तब चेक करते हैं। लिखो, बोलते हैं बोले मैं जिम्मेवार हूं। पहला क्वेश्चन, मैं जिम्मेवार हूं मैं आपकी हार का जिम्मेवार नहीं हूं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिफीट। मैं आपकी हार का जिम्मेवार नहीं हूं, आई एम नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिफीट। मैं आपसे प्रभावित हूं, आई एम इंप्रेस्ड विथ यू। मैं आपसे प्रभावित हूं, आई एम इंप्रेस्ड विथ यू। कौन जिम्मेवार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? कौन जिम्मेवार है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं अपनी मम्मी का लाडला हूं, आई एम डियर टू माई मॉम। आई एम डियर टू माई मॉम। मैं अपनी मम्मी का लाडला हूं, आई एम डियर टू माई मॉम। उसके बाद मैं दोषी हूं, आई एम गिल्टी, या आई एम कल्प्रिट, दोनों कर सकते हैं यूज, कोई कर सकता है। मैं दोषी हूं, उसके बाद मुझे बदनाम मत करो, डोंट डिफेम्ड मी। सर डिफेम होगा ये वाला, हाँ डिफेम भी वन यूज करते हैं। डोंट डिफेम मी, मुझे बदनाम मत करो।
तुम बदनाम हो, यू आर डिफेम्ड। इस तोर फोर का उधर लिखा दिया ना, क्यों नहीं लिखा है? इस तोर फोर का जिम्मेवार कौन है? Who is responsible for this sabotage? इस तोर फोर का जिम्मेवार कौन है? इस तोर फोर का जिम्मेवार कौन है? मैं आपसे प्रभावित हूं, लिखा दिया है? नहीं लिखा है ना? मैं आपसे प्रभावित हूं, लिखो। मैं ठीक है तब लिखो। मेरे पापा तुमसे प्रभावित है, मेरे पापा तुमसे प्रभावित है, मेरे पापा तुमसे प्रभावित है, मेरे पापा तुमसे प्रभावित है। तुम बड़े लापरवाह हो, यू आर वेरी केयरलेस। लापरवाह, केयरलेस बोलते हैं। तुम बड़े लापरवाह हो, इस भ्रष्टाचार का जिम्मेवार कौन है? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस करप्शन? इस भ्रष्टाचार का जिम्मेवार कौन है? करप्शन बोलते हैं, करप्शन, भ्रष्टाचार। जाओ और अपने पिताजी को प्रभावित करो, गो एंड इंप्रेस योर फादर। इंप्रेस होगा, जाओ और अपने पिताजी को प्रभावित करो, प्रभावित करो तो इंप्रेस। मैं पहले से दुखी हूं इसलिए मुझे परेशान मत करो, आई एम ऑलरेडी सैड दैट्स वाई डोंट वेक्स मी। मैं पहले से दुखी हूं इसलिए मुझे परेशान मत करो, मैं पहले से दुखी हूं इसलिए मुझे परेशान मत करो। हम लोग दुविधा में हैं, हम लोग दुविधा में हैं। दुविधा में है, दुविधा। नेक्स्ट, हम लोग फिल्म देखने को उत्तेजित है, वी आर एक्साइटेड टू वॉच मूवी। हम लोग फिल्म देखने को उत्तेजित है, मुझे अंग्रेजी सीखने का एक मौका दीजिए, गिव मी अ चांस टू लर्न इंग्लिश। मुझे अंग्रेजी सीखने का एक मौका दीजिए, कितना हुआ? मेरी मम्मी पूजा में व्यस्त है, तब तक के लिए मुझसे बात कीजिए। मेरी मम्मी पूजा में व्यस्त है, तब तक के लिए मुझसे बात कीजिए। काफी है, रहने दो। मेरी मम्मी पूजा में व्यस्त है, तब तक के लिए मुझसे बात कीजिए। जो पिछला क्वेश्चन है कल वाला, वो कल चेक करेंगे। छाप लिया नहीं सब? ठीक है।